वेरी इंप्रेसिव, काफी बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया तुमने तो। अरे ये सब कुछ तो चलता ही रहता है। जैनी की जिद थी कि तुम सबको बुलाया जाए, शीशे में उतार लेते हो ना तुम सबको, जैनी को, जहर को, सब कुछ आम कर दिया तुम। कोमल एक बात बताओ, बाजिल को तुमने कहा था कि वो लीना से शादी के लिए मना करते? What? Are you mad? मैं क्यों कहूंगी बाजिल से ऐसा? उसका अपना फैसला है यार, और वैसे भी अम्मा को जानते हो ना, मुझसे वो कोई बात नहीं करती है। इल्जाम लगाने से पहले सोच लिया करो यार, मेरे घर आए हुए हो दावत पे। You idiot, behave yourself. I'm just asking. Uh-huh, I can see that. You clearly. वैसे तुम मर्द कितने गहरे पेट के होते हो ना। उसने घर में दूसरी बीवी बिठा रखी है और इन भाई साहब ने हमें हवा तक लगने नहीं दी। 4 महीने से इसीलिए इग्नोर कर रही होगी, बहुत बड़ी बात है उसके लिए, टूटी भी होगी। वैसे मुझे तो अब उम्र पर तरस आ रहा है। सारा घन चक्कर बना हुआ है, ऊपर से छोटे बच्चों की तरह बिहेव करता है, और साथ ही साथ उसकी बीवी भी कम उम्र है। वैसे कोमल की हिम्मत है, पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रही है सब कुछ। ये सब कुछ भी उसी की वजह से हुआ है। खातून, तुम दोनों तो उसकी दहशत से वाकिफ ही हो। कोमल ने सिचुएशन को बहुत अच्छे से टैकल कर लिया है, बहुत चालाक है वो। से अब तो कोमल से मिलना ही पड़ेगा। तुम लोग इस सैटरडे फ्री हो? हम तो बिल्कुल फ्री हैं। सादिक, तुम जाके हमारा सारा प्लान नहीं बता देना। खुदा का खौफ करो, क्यों मैं अपने आप को मरवाऊंगा भाई।